हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट किए थे व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। ठीक है, सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट है ना, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन जो है उसमें क्या है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों आपका क्या होता है, स्टैटिक होता है। दोनों आपका क्या होता है, स्टैटिक होता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। लेकिन इंडक्शन मशीन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी के बदले स्टेटर होता है और सेकेंडरी के बदले रोटर होता है। तो रोटर मतलब नाम से यह स्पष्ट है कि वो रोटेट करेगा। ठीक है, डैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेटर होगा वो तो स्टैटिक होगा, बट रोटर आपका क्या होगा, रोटेटिंग होगा। वो रोटर आपका क्या होगा, रोटेटिंग होगा। तो ये आपका पहला डिफरेंस है जो कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन के लिए। ठीक है, द सेकेंड डिफरेंस इज द कि फ्रॉम नो लोड टू एनी लोड फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, सेम होगा। फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ऑपरेट कर रहे हैं, हाफ ऑफ द फुल लोड पर ऑपरेट कर रहे हैं, फिर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, इन ऑल केसेस जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, सेम होगा, प्राइमरी साइड का भी और सेकेंडरी साइड का भी। लेकिन अगर हम इंडक्शन मशीन का बात करें तो इंडक्शन मशीन के केस में जो आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन को छोड़ के अगर हम दूसरे कंडीशन को अगर हम जाएंगे, तब उस केस में नो लोड टू एनी लोड है ना, नो लोड टू एनी लोड फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्टेटर का फ्रीक्वेंसी रोटर के फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम हेयर फ्रॉम नो लोड टू एनी लोड। ठीक, देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब हम लिए थे कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर और स्टेटर दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका सिमिलरिटी है बिटवीन द ट्रांसफार्मर इंडक्शन मशीन। लेकिन स्टैंड स्टिल कंडीशन को अगर आप छोड़ दें, ठीक है ना, रोटेटिंग कंडीशन को अगर आप लेंगे, तब उस केस में नो लोड टू फुल लोड जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। मतलब एस चेंज करेगा तो रोटर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और एस का वैल्यू क्या होता है, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। और ये एन आर आपका क्या है ना, एन आर आपका स्पीड ऑफ द रोटर है। तो रोटर को अगर स्पीड चेंज होगा तब उस केस में एन आर चेंज होगा, एन आर चेंज होने से एस आपका चेंज होगा। ठीक है, सो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा कंटिन्यूअसली आपका क्या होगा, चेंज होते रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा फ्रॉम नो लोड टू एनी लोड। ठीक, और ये चेंज वैल्यू हमारे स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच नहीं करेगा। स्टेटर का फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, बट रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा एस इंटू एफ। क्लियर, गुड। सो द थर्ड पॉइंट इज द, यहाँ पे जो आपका इंटायर एनर्जी जो कन्वर्ट होता है ना, सोर्स टू द लोड, वो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉर्म में होता है। मतलब सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द मैकेनिकल फॉर्म। जैसे कि आप देखे होंगे इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे इसके इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट। ये मेरा रोटर साइड का है, सपोज ये मेरा रोटर साइड का है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिए थे आर टू इंटू वन माइनस एस बाई एस, ये एक्चुअली लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस जो हम यहाँ पे दिखाए हैं ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस नहीं है, ये आपका अगर हम देखा जाए तो मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी एनर्जी कंज्यूम होगा दैट एनर्जी इज कंज्यूम इन द मैकेनिकल फॉर्म। ठीक है ना, और ये जो आपका एनर्जी जो कंज्यूम करेगा, दिस इज आर टू एंड दिस इज एक्स टू, ये एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो दैट इज विल कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो मैकेनिकल फॉर्म में, मतलब बाकी पार्ट जो होता है मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो हम लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट,
ट्रांसफार्मर इज अल्टरनेटिंग फ्लक्स ट्रांसफार्मर, मतलब कि यहाँ पे मतलब ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स ट्रांसफार्मर, बिकॉज फ्लक्स मेरा यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग कहने का मतलब क्या कि इस तरीके से आपका फ्लक्स जो होता है अल्टरनेट हो आपका होता है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स ट्रांसफार्मर बोलेंगे। लेकिन अगर आप इंडक्शन मशीन में अगर आप देखेंगे तब उस केस में फ्लक्स अल्टरनेटिंग नहीं होता है, फ्लक्स मेरा क्या होता है, रोटेटिंग होता है। मानते ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है तो ये फ्लक्स आपका क्या होगा, रोटेट करेगा, है ना, ये फ्लक्स आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो फ्लक्स अगर रोटेट करेगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज रोटेटिंग फ्लक्स ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोटेटिंग फ्लक्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के केस में जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन इंडक्शन मशीन के केस में जो फ्लक्स आपका होता है वो आपका रोटेटिंग टाइप का होता है। फ्लक्स रोटेट करता है, इस वजह से आपका रोटर भी क्या होता है, वो रोटेट करता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द फिफ्थ नंबर पॉइंट, मैग्नेटिंग सर्किट हैज़ नो एयर गैप। मतलब यहाँ पे जो आपका गैपिंग होता है, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी जो भी है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, कोई भी आपका एयर गैप प्रजेंट नहीं होता। एयर गैप मतलब फ्लक्स मेरा एयर गैप के थ्रू होके पास नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के केस में, मान लेते कि ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सो ये आपका प्राइमरी, सॉरी ये आपका सेकेंडरी फॉर एग्जांपल। तो प्राइमरी से जो फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा वो आपका एयर को, सॉरी कोर के थ्रू होकर के जाएगा, मैग्नेटिक कोर के थ्रू होकर के जाएगा, कोई भी एयर के थ्रू आपका नहीं जाएगा। कहेंगे सर यहाँ से जो जाएगा ये वाला, तो इसका अमाउंट बहुत ही लेस होता है, इसको हम नेलिट कर सकते हैं ना, इसको नेलिट लीकेज करंट, लीकेज फ्लक्स आपका, और लीकेज फ्लक्स तो नहीं बोलेंगे इसको, जब इधर से इधर जाएगा तो लीकेज फ्लक्स नहीं बोलेंगे, अगर सिर्फ ऐसे होगा तो लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। बट इसका जो मतलब वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा। मोस्ट ऑफ द फ्लक्स विल पास थ्रू द कोर एंड लिंक फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इंडक्शन मशीन के केस में जो फ्लक्स होगा वो एयर गैप के थ्रू होकर के पास करेगा, मतलब स्टेटर से रोटर में जब फ्लक्स आएगा तो एयर गैप के थ्रू आएगा। बिकॉज ये मेरा सपोज स्टेटर है, सपोज तो यहाँ पे आपका रोटर होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, कुछ गैप प्रजेंट होता है रोटेट करने के लिए ना, रोटेट करने के लिए, क्योंकि अगर गैप नहीं प्रजेंट होगा तो कैसे रोटेट करेगा, फिर फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में, तो कुछ एयर गैप रखा जाता है सच डैट रोटर जो है आसानी से रोटेट कर सके। अब ये एयर गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, है ना, बस थोड़ा सा मार्जिन लेना होगा सच डैट उसको उस तरह का मतलब बहुत कुछ देखा जाता है कि एक्स्ट्रा नॉइजेज ना हो, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर दो दो चीज़ों के बीच में अगर गैप का अगर कम होगा तो कोई भी चीज़ अगर पास करेगा यहाँ से तो बहुत ज़्यादा नॉइज करेगा, नॉइज आएगा बहुत सारा। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि का सपोज एक इस तरह का होल टाइप का, टनल टाइप का, जब भी देखते होंगे कि या तो कभी बस टनल में जाती है या कोई ट्रेन टनल में जाती है तो नॉइज एक तरह का आपको मतलब सुनने को मिलता होगा, है ना, वहाँ पे एक नॉइज क्रिएट होता होगा। तो ये नॉइज डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर हम बहुत ज़्यादा एयर गैप, बहुत कम एयर गैप लेंगे तो जब टनल से कोई भी होकर के पास करेगा, चाहे वो बस हो या फिर ट्रेन हो, कुछ भी अगर पास करेगा तो उसके इसमें नॉइज ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत कम एयर गैप ले, है ना, बहुत कम एयर गैप ले, कुछ हम एयर गैप यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि हम ज़्यादा एयर गैप भी ले सकते हैं, ज़्यादा एयर गैप लेना भी मेरे लिए डिसएडवांटेज है, मतलब मेरे लिए नुकसान है, और कम एयर गैप लेना भी अगर हम देखें साउंड के परस्पेक्टिव से, अगर हम देखेंगे नॉइज़ के परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कम एयर गैप लेने से ज़्यादा नॉइज होगा, और ज़्यादा एयर गैप लेंगे तो नॉइजेज तो कम हो जाएगा लेकिन और सारा फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एयर गैप लेंगे तब तो उस केस में नो लोड करंट का जो वैल्यू होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर गैप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो इस केस में जो नो लोड करंट का जो वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, और आई थिंक हम बोल सकते हैं कि ये लिस्ट होता है एमोंग ऑल द मशीन, एमोंग ऑल द मशीन ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है आपका लिस्ट होता है। लेकिन ये लिस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर गैप प्रेजेंट नहीं होता और यहाँ पे आपका नो लोड करंट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है।
नॉट करंट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एयर गैप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ज़्यादा एयर गैप लेंगे नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, है ना, साउंड को रिड्यूस करने के लिए, तो नो लोड करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ये ज़्यादा करंट हमको ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एयर गैप ले लेते, एयर गैप हम लोग कम ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा होता है। तो हम लोग को जो ऑप्टिमाइज वैल्यू होता है वो ऑप्टिमाइज वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं, ताकि नॉइजेज भी कम हो और नो लोड करंट का वैल्यू क्या मिले, कम मिले, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। सो हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है। थैंक यू।